एक नंबर लग रही है भाई, एक नंबर कातिलाना। असली तो इसकी स्पीड है, और साइड में ये देखो भाई इसका एरिया, भाई इतना भयंकर माइलेज है, जिंदगी में ऐसी गाड़ी कोई देवे ही नहीं। 12.4 और करंट दे रहा है ये इस समय 10.8। नेक्स्ट लूंगा तो डीजल में ही लूंगा, हाँ। कम से कम माइलेज तो है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? भाई मस्त होंगे, यही उम्मीद करता हूं मैं। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30, और भाई सुबह गया था काम से 10 बजे, अपना काम तो निमट गया। और अब सीन है, भैया के साथ जा रहा हूं बाहर, और यहां से व्यू देखो भैया की बालकनी से, क्या गजब आता है। ये देखो भाई, ओए होए क्या गजब का व्यू है भाई भैया की बालकनी का, एक नंबर है भाई, एक नंबर। तो चलो भाई चलते हैं नीचे, अपनी खड़ी इको स्पोर्ट वो गाड़ी भाई, ठीक है। तो देख लो भाई ये अपनी प्यारी प्यारी गड्डी, ये है अपनी 7008 अपनी इको स्पोर्ट। तो भैया कहाँ बैठोगे आप? इधर वाली सीट पे बैठोगे? अच्छा, ए बिल्ली चला। चलो भैया ड्राइवर सीट पे मैं बैठता हूँ। भाई गुड़गांव के अंदर ये रास्ता पांडे भाई ने मुझे ऐसा रटवा दिया, खासकर हमारी छोटी गुड़िया ने। ये है हमारे पांडे भैया, और भैया की हुई है बेटी का नाम है सांची। तो जब मैं आया था यहाँ पे, तो ये रास्ते पे मैंने इतने चक्कर लगाए, ये रास्ता मुझे भाई ऐसा याद हो गया, ऐसा रट गया। मतलब गुड़गांव में यहाँ छोड़ दोगे ना, तो यहाँ से घर और घर से हॉस्पिटल का रास्ता भाई एकदम मुँह जबानी रट गया। आँख बंद करके भी चला लेगा। ये देखो गुड़गांव का अंडरपास, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे न्यूयॉर्क स्टाइल में बना हो। पर बिल्कुल मस्त छतरी, धूप नहीं लगेगी। और ये रहा भाई, जैसा लग रहा है गुफा में से घुस गए। आगे का पता नहीं क्या होगा, क्या मिलेगा। वो देखो रोशनी दिख रही है, रोशनी में जाएंगे हम अंधेरे से। ये अभी बाबू हंस रहे हैं, बहुत ही ऐसी बेहतरीन। तो भाई अच्छा लग रहा है, देखते हैं भाई। अच्छा तो लग ही रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अंधेरा नहीं था, अंधेरे से रोशनी में तो जाएंगे भाई। रोशनी से अंधेरा और अंधेरे से रोशनी। अब रोशनी आएगी, जब अंडरपास जाएंगे तो अंधेरा हो ही जाता है। अंडरपास में चलाने का अलग मजा आता है, एकदम ही ना उजाला हो और फिर एकदम ही अंधेरे से जाओ, थोड़ा वैसा सा लगता है, अलग सा लगता है, अच्छा सा फील होता है। पांडे भाई कौन सी गाड़ी बुक करने जा रहे हो? BMW। अच्छा, सिट्रोन के शोरूम में BMW। वाह भाई वाह, आप फर्स्ट आए। अच्छा नहीं आई है ना? अच्छा तभी BMW है। ये फीचर समझाऊंगा उसके। अच्छा कैसे सो भी सकते हैं, चलाते लोग। 20 minutes later। कैसी लगी BMW? बढ़िया, अब BMW खरीद लिया, वेस्ट साइड से शॉपिंग करनी है भाई, वेस्ट साइड से शॉपिंग करेंगे। और Lexus ले लो, Lexus का शोरूम भी है। Lexus ले लेते हैं, 3 4 ऐसे, वो छोटी वाली मिल जाएगी। नहीं 3 4 क्यों, एक काम करते हैं, शोरूम बात करते हैं, कंपनी खरीदनी है। एक नंबर गाड़ी है भाई Lexus, भाई बहुत अल्टीमेट गाड़ी है, एक बेहतरीन वाली। देखो भाई ये भी क्या गजब की लग रही है ना, कातिलाना लग रही है, क्या गजब की लग रही है यार। जी वैगन तो ये रही है, जैसे बुलेरो को भाई ब्रावस की किट लग के मॉडिफाई करा दिया। नहीं यार सच्ची में भाई एक नंबर लग रही है भाई, एक नंबर कातिलाना। असली तो इसकी स्पीड है, और साइड में ये देखो भाई इसका एरिया, बहुत तेरी की गजब भाई। स्पॉइलर देख रहे हो? ये देखो मुझे भी कितनी है। हाँ भाई बहुत गजब की गाड़ी है, इसका टॉर्क ही इतना तगड़ा है। तो भैया ये वाली गाड़ी लेना चाह रहे हो अगली? हैं कैसी लग रही है? भाई पांडे भैया देखने आए हैं ये वाली गाड़ी, पांडे भैया अपडेट करेंगे इस गाड़ी को। वर्चस देखने आए हैं भाई, ओए होए क्या गजब की लग रही है। अरे हैं मस्त लग रही है ना। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाओ, खोलो इसको, देखते हैं कैसी लग रही है। भाई साहब क्या गजब है यार। भाई अभी पांडे भैया ने सीन कर दिया था, हैं ऑटोमेटिक नहीं चलाई ना मैंने। हाँ वो ब्रेक दबा कैसा हो जाता है भाई। कौन सा आगे जाती है? आगे हो जाती है। अरे नहीं यार कुछ भरोसा थोड़ी है। हाँ भाई भैया ने अभी सीन कर दिया था। पांडे भैया पक्का गाड़ी बदल रहे हो अपनी फोर्ड देख के, हैं अच्छी लगी? बहुत बढ़िया भाई। पांडे भैया आए हैं गाड़ी देखने, इससे पहले गए थे BMW देखने, और अब आए हैं वर्चस देखने, ठीक है। और देखने ही आए हो? हाँ देखना है, वीडियो बनाना है। तो भाई मेन चैनल के लिए वीडियो बनाई थी, और लगे हाथ भैया ने गाड़ी भी देखी, भैया को पसंद आई है। अब लेना ना लेना तो खैर अभी कोई प्रोग्राम है नहीं भैया का, तो बस जस्ट फॉर फन भैया ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और होपलेस हो गई। चलो अब चल रहे हैं यार वापस, कुछ खाते पीते हैं, सुबह से भूख लग रही है, सुबह निकल गया था जल्दी और बस अब निकलते हैं। अपनी इको स्पोर्ट का माइलेज देखो यार भाई, इतना भयंकर माइलेज है, जिंदगी में ऐसी गाड़ी कोई देवे ही नहीं। 12.4 और करंट दे रहा है ये इस समय 10.8। और भाई सोच रहे हो आप लोग, और एक सेकेंड भैया माइलेज तो बहुत अच्छा है ना। माइलेज भाई पानी की तरह पीती है, पेट्रोल की है ना, नहीं ये पानी पे चलती है। गलत कह रहे हो यार। बहुत भाई, भैया बहुत खुश हैं। नेक्स्ट लूंगा तो डीजल में ही लूंगा। हाँ। कम से कम माइलेज तो है वो। तूने मुझे बोला था उस टाइम पे, बट मिस कर दिया। हाँ। क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, इतनी नॉलेज नहीं थी ना। हाँ। इसमें भी चलाने का देखो मजा अलग है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। फ्रेंच फ्राइज खाएगा? फ्रेंच फ्राइज तो नहीं खाने का मैं, कुछ बढ़िया सा खाएंगे, बेहतरीन सा खाएंगे। बात चल रही थी माइलेज की, तो यार माइलेज भाई पेट्रोल के अंदर ये छोटा हाथी छोटे हाथी जैसा ही देता है ना। पर ठीक है, आने वाले टाइम में इसमें लगाएंगे भाई इलेक्ट्रिक मोटर। फिर बनाएंगे इसको, फिर बनाएंगे इसका कुत्ता। कुत्ता बनाएंगे बाहर, उसको हवा में उड़ाएंगे। इको स्पोर्ट का कुत्ता बनाएंगे पांडे भैया, यही टाइटल रखूंगा, इको स्पोर्ट का बनाया कुत्ता। भाई ये मंगाए हैं हमने जीरा आलू बटर पनीर मसाला, और भैया नान और पनीर लबाबदार है, और सारा खाएंगे भैया। ये अभी बाबू है भाई, अभी बाबू बिल्कुल एग्रेसिव वे में खाने को तैयार है, खाने से नजर नहीं हट रही, तगड़ी तरह से खाएंगे। अभी भूख लग रही है भयंकर, भयंकर, बहुत भयंकर। चलो ठीक है, खाते हैं फिर, है ना। भाई घर आ चुके हैं और अब सीन बन रहा है आराम करने का और साथ ही साथ मूवी देखने का। मूवी कौन सी है? वो है भाई जेलर। ओए होए सुपर डुपर।